चार्जेस कैसे बढ़ने जा रहे हैं और आपकी जेब पर कैसे ये भारी पड़ने जा रहा है। तो 20 जनवरी से कैसे बैंकिंग के नियम बदल रहे हैं ये जरा समझिए। सेल्फ चेक से अधिकतम 50,000 रुपए की निकासी है, लेकिन उसमें जो फीस बैंक लेगा आपसे वो है 10 रुपए की। अब आप समझ लीजिए कि अब 50,000 रुपए आप अगर निकालते हैं सेल्फ चेक से तो 10 रुपए आपके जेब से निकलने पक्के हैं। कोई तीसरा व्यक्ति अगर चेक से सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल पाएगा, ये भी नए नियमों में शामिल है जो कि 20 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं, ये भी आपको समझने की जरूरत है। उसके अलावा जो कुछ और नियम बदलने जा रहे हैं 20 जनवरी से, उसके तहत कैश जमा करने पर किस तरीके के नियम है ये भी जरा समझ लीजिए। सेविंग्स अकाउंट में प्रतिदिन अधिकतम 2,00,000 रुपए तक का कैश जमा होगा, ये आप समझ लीजिए और नोट जरूर कर लीजिए कि कितना आप जमा कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में। 2,00,000 रुपए की राशि है जिसको आप जमा कर पाएंगे, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में हर दिन 50,000 रुपए जमा करना फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर करते हैं तो प्रति 1,000 रुपए 2.5 रुपए की फीस आपको लग जाएगी। तो यहां पर भी आपसे और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में जो पैसा है वो जरूर निकल रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए। अब जैसे CACCOD मतलब करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, उसमें प्रतिदिन 25,000 रुपए जमा करना फ्री है, लेकिन उसके बाद प्रति 1,000 यहां पर भी 2.5 रुपए की फीस ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए रखी गई है। तो ये पॉइंट भी अपनी डायरी में जरूर नोट कर लीजिए जो हम आपको जरूरी कुछ ये नियम बता रहे हैं जो कि 20 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं और आपके लिए आम आदमी के तौर पर जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए 25 रुपए लगेंगे, मतलब कई लोग जो कि बैंकिंग लाइन में लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं चाहते हैं, घर बैठे बैठे ये जो सुविधाएं हैं उसको उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो यहां पर भी आपको कुछ खास राहत नहीं मिल रही है। 25 रुपए आपको इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए भी चुकाने पड़ेंगे, मतलब कि लेस कैश इकोनॉमी या डिजिटाइजेशन की बात हो तो वहां पर भी चार्ज के रूप में आपसे खूब पैसे लिए जा रहे हैं। पिन और पासवर्ड के लिए 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे, मतलब पिन हो गया आपका या पासवर्ड उसको बदलना है या नया पासवर्ड आपको इश्यू कराना है तो बैंक आपसे 10 रुपए यहां पर सीधे तौर पर डेफिनेटली चार्ज के तौर पर ले लेगा। ये जो नियम है 20 जनवरी से जो लागू होने जा रहे हैं उसके तहत ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत हो जाती है। तो साफ तौर पर विवेक ये साफ है कि कस्टमर फर्स्ट कहा जाता है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज में आम आदमी पर जिस तरीके से बोझ पड़ रहा है ये तो साफ है कि अब अगली बार जब आप किसी भी ऐसे काम के लिए जाएंगे मे आई हेल्प यू सुनकर शायद थोड़ा बहुत घबरा जाए।